भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता तुहिराम भारद्वाज ने आज पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव भाजपा पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए कहा कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के संदर्भ में पार्टी हाईकमान से उनकी बातचीत चल रही है और निश्चित तौर पर पार्टी उन्हें ही टिकट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन का चुनाव भाजपा पार्टी की नीतियों के आधार पर लड़ा जाएगा। तुहिराम भारद्वाज ने कहा कि पलवल की जनता ने अब की बार उन्हें वोट देने का मन बना लिया है। नगर परिषद के माध्यम से सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास किया जाएगा, लोगों की जन समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी के लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। तुहिराम भारद्वाज ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना, वार्डों में सड़क व नालियों का निर्माण, पार्कों को आधुनिक रूप प्रदान करना, बिजली व सीवरेज की समस्या को दूर करना सहित अनेक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। के लिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है। इलेक्शन आ रहे हैं नगर परिषद के डायरेक्ट चेयरमैन के, उसके संदर्भ में मैं खड़े होने का विचार था मेरा कि भाई मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो मैं आप सबके माध्यम से अपनी दावेदारी जो करना चाहता हूँ। नहीं, टिकट पे लड़ूंगा। टिकट ना दे तो नहीं, टिकट मिलेगी मालूम नहीं मिलेगी। नहीं, हम क्यों सोचा नहीं मिलेगी वो आप एक अगर नहीं मिल बीजेपी टिकट पे मालूम टिकट नहीं मिली तो क्या होगा? नहीं, क्यों मान ले जब मिल रही है तो हम अब वी आर को कैंसिल कर दो। ये ऐसी कोई बात नहीं, टिकट हमें मिलेगी। शर्मा जी, ब्राह्मणों में अगर हम बात करें तो कई दावेदार और भी है, उसको मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं और कितने नहीं कह सकता। क्या ब्राह्मण समाज पे आपकी पूरी सलाह मशवरा हो, क्या आपने तैयारी की? मैं एक ब्राह्मण समाज से नहीं, मैं 36 बिरादरियों की तरफ से मैं। आपको आश्वासन किसकी तरफ से मिला की तरफ से? मुझे अपने जो नेता है सभी की तरफ से आश्वासन। प्रदेश अध्यक्ष है, मेरी सबसे बात हुई वही आई है। टिकट समय में अगर टिकट कटी मिलने नहीं कटेगी, नहीं टिकट हमें मिलेगी। नहीं, ऐसा क्या आधार है कि आप पहले एक बार कांग्रेस में रहे, ये कोई भटान साहब, ये कोई मेरे पर लागू नहीं हो रही। सभी देखो, अब यहाँ से हमारे नायर साहब गए टिकट मिली, और आपके ये कई और भाई हमारे गए सबको टिकट मिली, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई वहाँ से आए तो हमें टिकट नहीं मिलेगी। हम जहाँ भी जिस पार्टी में रहे सक्रिय कार्यकर्ता रहे और अपने ईमानदार निष्ठावान से हमने काम किया। अब तक आपका कितनी पार्टी में सफर रहा है? किस किस पार्टी में सफर रहा है आपका? देखो, पार्टी में सफर तो देखो, इससे पहले मैं चौटाला पार्टी में था, जेजेपी में था, बसपा की टिकट पर भी आपने चुनाव लड़ा है? हाँ, लड़ा है। कांग्रेस में से रहे कभी? नहीं, कांग्रेस में। नहीं, अगर देखो ड्रामे, अगर ये जनरल आते तो, अगर रिजर्व होती है तो उसमें तो मतलब नहीं है। अगर ड्रामे, हाँ जी, हाँ हाँ, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कोई बात। अगर जनरल में रहेगी तो बीजेपी के टिकट की दौड़ में और कौन कौन है? और तो मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में, मुझे अपना पता है कि भाई टिकट हमें मिलेगी और हम दावेदार हैं। चलो, टिकट तो ये तो जनरल कोटा हुआ जब मिलेगी ना। नहीं, महिला में हमारे पास महिला भी था, कोई रड़ुआ कहे नहीं। महिला की